भाई वीरेंद्र जी माननीय विधायक और भाई नेमतुल्ला जी माननीय विधायक, जिस विषय पर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो विषय भी गोपालगंज जिले का है और माननीय विधायक भी गोपालगंज जिले से आते हैं। हम लोग पहले सुनते थे कि ठेकेदार के द्वारा इंजीनियर को परेशान किया जाता है, लेकिन अब बात उलट गई है। सत्ता में बैठे लोग इतने ताकतवर हो गए हैं कि अब अधिकारी और पदाधिकारियों के द्वारा जुल्म किया जा रहा है, जिसका एक जीता जागता नमूना गोपालगंज जिले के सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता जो गंडक प्रोजेक्ट है उसके मुख्य अभियंता श्री मुरलीधर सिंह, जो पिछले 4 वर्षों से गोपालगंज में पदस्थापित हैं, अपने कार्यकाल में उन्होंने जो कार्यालय बनवाया, आवास बनवाया, वो सब एक ही बिल्डिंग में है, दोनों को बनवाया और बनवा करके और घूस नहीं दिया, कमीशन नहीं दिया पूरा उनको। कमीशन तो नीचे भी देता ही हुआ, लेकिन उनको उनके यहाँ तक घूस पूरी नहीं पहुँची, जिसके कारण उस बिल्डिंग का हैंडओवर भी नहीं होने दिया और उस बिल्डिंग में परिवार के साथ महीनों से रह रहे थे और कार्यालय चल रही थी। जो बिल्डिंग बनाया गया था रमाशंकर सिंह के द्वारा, रमाशंकर सिंह जो ठेकेदार थे बार बार अपने बकाए बिल की भुगतान की मांग कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उनके बकाए राशि का भुगतान गंडक प्रोजेक्ट सिंचाई विभाग के द्वारा चीफ इंजीनियर अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक अभियंता के द्वारा नहीं किया गया। पिछले 29 अगस्त को उनको अपने दफ्तर में दोपहर में बुलाया गया, शायद जब वो अपने लड़के राणा सिंह के साथ कार्यालय में पहुंचे तो वहाँ कुछ वाद विवाद हुई और उस वाद विवाद में भुगतान को लेकर के शायद मैं कह रहा हूँ, रमाशंकर सिंह का कहना था कि पहले मेरा भुगतान कर दीजिए तो पैसा दे दूंगा, जो घूस की राशि मांग रहे थे, और मुरलीधर सिंह का कहना था कि पहले पैसा दे दीजिए तब भुगतान होगा। शायद विवाद का केंद्र और इसी विवाद में गुस्से में आकर के रमाशंकर सिंह को मुरलीधर सिंह मुख्य अभियंता के द्वारा उनके ऊपर तेल छिड़क दिया गया और तेल छिड़क करके लगता है जैसे प्रायोजित था आग भी लगा दी गई उनके और सब सामने में थे, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता। जब ये घटना घटी तो हमको लगता है कि उनके दफ्तर से आवास और कार्यालय की दूरी 50 गज होगा, लगभग 50 गज से भी कम होगा, जो घटना स्थल पर जाके हमने देखा दोनों आसपास। तो हल्ला हुई, तो हल्ला होने के बाद अगल बगल के लोग ही पहुंचे, तब तक आग की लपट धधक चुकी थी, क्योंकि आजकल तो पॉलिथीन का पैंट शर्ट लोग पहनता है, उसमें आग लग जाने के बाद तो धधक ही जाता है। और नतीजा यह हुआ कि उनका बेटा था बाहर में खड़ा राणा सिंह, वो तत्काल देखा तो घबरा गया और फिर जब हल्ला हुई तो और बाकी लोग भी जुट गए। तो लोगों के जुटने के बाद तत्काल ही मुरलीधर सिंह को गोरखपुर इलाज के लिए ले जा रहे थे, इसी क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। अब सवाल उठता है, जिसके कारण वहाँ के लोग काफ़ी आक्रोशित हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। राजद के द्वारा वहाँ पिछले 31 तारीख को धरना प्रदर्शन भी किया गया, वहाँ के कार्यकर्ताओं द्वारा, वहाँ के
जिलाध्यक्ष के द्वारा और माननीय विधायक बाकी सब लोग थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मुरलीधर सिंह आखिर किसके बल पर, उनको कौन सा राजनीतिक बृहदस्त प्राप्त था कि इतना बड़ा कदम उन्होंने ठेकेदार के खिलाफ उठाया। जरूर उनके तार कहीं से न कहीं से जुड़े होंगे। मुरलीधर सिंह के आवास की परिवार के साथ जिसमें रहते थे उसको जब प्रशासन ने वहाँ सर्च किया तो कई लाख रुपए नकद मिले, जेवर मिला, सोने का, चांदी का, कई कागजात मिले जिससे यह पुष्ट होती है कि पटना में, दिल्ली में कई जगह उनको मकान है, जमीन है। तो ये काफ़ी गंभीर बात है जिस तरीके से कानून का राज्य में पदाधिकारियों द्वारा ठेकेदार की हत्या की जा रही है और तेल छिड़क करके जलाया जा रहा है। यह अत्यंत ही गंभीर विषय है। राष्ट्रीय जनता दल ने इसे अत्यंत ही गंभीरता से लिया है।